है कहां, भतीजा उसको बुलाओ। तो मुझे उन्होंने कहा सर वो तो ट्रेनिंग में गया है। हमने पूछा कौन सी ट्रेनिंग, कहा तो पुलिस में भर्ती हो गया है। तो हमने कहा पैसा कहां से आया, कहा साहब अब पैसा नहीं लगता, अब तो बिना पैसे के ही भर्ती हो रही है। ये परिवर्तन यूपी में हुआ है। कौन लोग हैं वह जो नौजवान है, वह कोई और नहीं, वह दलित समुदाय से है। मुझे सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने मैसेज भेजा है, बहुत सारे लोगों ने कहा शारीरिक शिक्षक उनकी बहुत सारी नियुक्तियां होनी है वो पेंडिंग है, पुलिस में बहुत सारी नियुक्तियां होनी है वो पेंडिंग है, और सरकार कोर्ट कोर्ट खेल रही है उनके साथ। देखिए कोर्ट में नहीं, समस्या क्या है, हमारी 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, फिर कुछ लोगों ने न्यायालय में उसको चैलेंज किया है। वह रिजल्ट्स अभी 28 तारीख को आना था, कोर्ट ने 28 तक रोक लगाई है। 27-28 को हम लोगों ने 50,000 पुलिस की नई भर्तियां हम लेके आ रहे हैं। कल ही हमने 30,000 पुलिस की जो भर्ती हुई थी उनकी ट्रेनिंग पूरी कराई है, उनको अपनी सेवा में ले लिया है। 50,000 की हमारी भर्ती की प्रक्रिया 27-28 जनवरी को होने जा रही है। ऐसे ही अलग अलग विभागों की नियुक्तियां निकल रही हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज के दिन पर एक भी भर्ती में कोई पैसा नहीं। ईमानदारी के साथ पूरी पारदर्शी तरीके के साथ इन भर्तियों की प्रक्रिया को हम पूरा कर रहे हैं। सपा बसपा की सरकार में क्या यह संभव हो पाता था? नहीं। देखिए मेजोरिटी, चाहे वह SC ST का हो, OBC का हो या जनरल वोटर्स का हो, ये BJP के साथ आएगा। और BJP